नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मित्र पावर ब्लॉग में। दोस्तों मित्र पावर ब्लॉग में अगर आप आगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मेरा कोई यहाँ कंपनी नहीं है या कंपनी में कोई मेरा दबदबा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को सलाह देता हूँ कि पालन किस तरह आना है, कैसे मतलब आपका पैसा बर्बाद ना हो, पैसा सेव करके यहाँ पर आ सकते हो। क्योंकि एजेंट का चक्कर में जाओगे तो आप लूट जाओगे। आजकल क्या है ना, इंडिया में उतना अच्छा एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पलान का वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एजेंट लोग पलान के लिए चक्कर छोड़ दिया, लेकिन वो लोग आदमी को फंसाना चाहते हैं और पैसा लेके फंसा फंसा के रहते हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बात करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, तभी सब कुछ पता चल पाएगा। जैसे कि बहुत सारे एजेंट क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को 1.5 लाख रुपया दे दो, मैं वीज़ा और प्लस अपार्टमेंट शर्ट सब कुछ कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, वीज़ा उन लोग का हाथ में नहीं है। हाँ, अपार्टमेंट दिलवा सकते हैं, क्योंकि उन लोग का कोई BFS का आदमी होगा, कोई नौकरी करता होगा, उसको घूस खिला के वो अपार्टमेंट अंदर अंदर बुक कराते हैं। ये तो इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में इस तरह चलती है, इसीलिए साधारण आदमी को अपार्टमेंट शर्ट बुकिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन वीज़ा का तो उन लोग का हाथ का किसी के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लॉटरी सिस्टम होती है। लॉटरी में जिसका भी आता है वो उसको ही वीज़ा मिलती है, उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो लोग बोल रहा है उनको बोलने का कि भाई मैं पैसा दूंगा, लेकिन मेरे को वीज़ा भी लगा था, वीज़ा लगने के बाद तुमको पैसा ले देने का, आप इस तरह बात करने का, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ, वार परमिट के लिए भी बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहा है, लेकिन भाई एक चीज़ मैंने बता दिया हूँ, जब पैसा की बात बोलता हूँ तो उन लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है। कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा से वो कंपनी तो पैसा मतलब नहीं लेगी तो भी वार परमिट जारी नहीं करेगी, क्योंकि वार परमिट जारी करने के लिए भी पैसा लगती है। उन लोग ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से प्रिंट मार के दे देंगे, ठीक है, वो सभी लीगल तरीके से होता है। तो लोग को जब पैसा की बात होता है तभी वो लोग पीछे हट जाते हैं, और वीज़ा की बात जब मैं करता हूँ अपने से खुद करना पड़ेगा तभी वो लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। सब कोई सोचते हैं कि भाई यहाँ पे मैं हूँ तो ऐसे ही आपको इंडिया का जैसा बुला लूँगा और काम मिल जाए, ऐसे नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है ना, आपको वार परमिट की ज़रूरत पड़ती है। वार परमिट के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप जो मेरे पास भेजते हो ना कभी कभी वार परमिट, उसको चेक करवाने के लिए भी 10, 15, 20, 50 जिलेटी भी एडवोकेट लोग चार्ज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे नहीं होती है कि बिना पैसा से कोई भी यहाँ चेक नहीं करेगी। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, आपको अगर वर्क परमिट चाहिए तो आप खुद से भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके जैसे कि polan.career बोल के एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसमें जाके आप वर्क परमिट इशू कर सकते हो। और वर्क परमिट इशू करने के बाद आप BFS की जो होता है ना, BFS की जो वेबसाइट, उसमें जाके फॉर्म डाउनलोड करने का, उसमें सब कुछ डिटेल्स होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपना अपार्टमेंट बुकिंग भी कर सकते हो। अपार्टमेंट बुकिंग के लिए दिक्कत हो रहा है, टाइमली आप कोशिश कीजिए, जैसे कि बॉम्बे, जयपुर, कलकत्ता के लिए बहुत सारा अपार्टमेंट मिलती है, उसका टाइम टेबल जो होता है ना, दिन को 2 बजे के बाद कंप्यूटर में बैठ के रिफ्रेश मार मार कर रखना, उसमें फटाफट क्लिक करना है, किसी ना किसी दिन तो बुक होगा ही होगा। आप 1-2 दिन 10 दिन देखा बाद में हार मान जाते हो, ऐसे हार मान जाओगे तो काम नहीं चलने वाला है। आपको उसमें दिन मतलब टाइम देना पड़ेगा ही। आप ये सोचते हो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, बार बार मेरे को मैसेज आता है, भाई अपॉइंटमेंट मिलेगा कैसे, ये जैसे रेलवे का जो तत्काल टिकट होता है उसके लिए कितना मतलब पीसना पड़ता है। ये नहीं कि एजेंट लोग आपको दे देते हैं, मतलब एजेंट लोग के पास कोटा रहता है। इस तरह जो लोग पैसा लेते हैं ना, अपॉइंटमेंट तो वो दिलवा देंगे पैसा लेके, क्योंकि उन लोग का कोई ऑफिस में आदमी होगा वो तो आपको दिलवा देगा। नहीं तो ऐसे आदमी पकड़ लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस भाई वो हम भी नहीं बता सकते, वो सिर्फ ऊपर वाला के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर वाला ही आपको बता सकता है वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा,
ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ही सबसे बड़ा ताकत होती है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगता है, VFS का जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म टोटल रहता है, उसमें अगर एक भी डॉक्यूमेंट में छूट हो गया तो आपको नहीं मिले। देखो बहुत सारे लड़का क्या करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ चेंज रहता है, कोई दूसरा पासपोर्ट दूसरा रहेगा, दूसरा पासपोर्ट दूसरा रहेगा, तो उसका तो चांस ही नहीं रहेगी। बहुत सारे क्या ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप कतर में काम किए हो, दुबई में काम किए हो, क्या आप विजिट में किधर गए हो, उसका भी नहीं दिए हो तभी वीज़ा नहीं लगती, क्योंकि आप पासपोर्ट में तो स्टाम्प रहेगा, जानकारी उन लोग को मिलेगा, लेकिन आप उसमें डॉक्यूमेंट शामिल नहीं किए हो। ऐसे इंश्योरेंस पेपर नहीं दिए हो, हेल्थ इंश्योरेंस एकेडमिशन नहीं दिए हो, तो वो सभी छोटा छोटा चीज़ के लिए ही आपको यहाँ रिफ्यूज़ल 10, रिफ्यूज़ल 9, 8 ये सभी आ जाती है। तो टोटल चीज़ आप ध्यान रख के ही जमा करने का, ठीक है। तो आज का वीडियो में आपको मैं यही सलाह देता हूँ, आपको वर्क परमिट मंगाना है तो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन मंगा के खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो जिसको जानकारी है ना उसको बताइए, VFS का जो वेबसाइट होती है उसमें डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप उसमें खुद से जमा कीजिए, तभी आप काम कर पाएंगे। नहीं तो कोई अगर एजेंट पकड़े तो अच्छा एजेंट चुनिए, जिस एजेंसी के थ्रू से आदमी गए हैं, इसको जानकारी है, तभी आपका काम हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो में अच्छा जानकारी मिल गया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करने का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम, जय हिंद।